खबर पौड़ी से है, जहां गांव में कुछ प्रवासियों को होम क्वारंटीन किया गया था। वहीं प्रवासियों के नियमों का पालन न करने पर गांव में बवाल हुआ है, जिसकी निंदा पूरे क्षेत्र में हो रही है। मामला थलीसैंण ब्लॉक के कपरौली गांव का है, जहां पहुंचे प्रवासियों को होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए थे। वहीं प्रवासियों को घरों से बाहर घूमते देख गांव के लोगों द्वारा शिकायत करने पर उप जिलाधिकारी व राजस्व पुलिस गांव पहुंची, जहां प्रवासियों ने अभद्रता करते हुए उप जिलाधिकारी और साथ में आई टीम पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसमें कल ही सुसंगत धाराओं में मुद्दा पंजीकृत कर लिया गया है और जिसमें 4 अभियुक्त थे उनको अरेस्ट करके और उनको हम जिला कारागार में दाखिल करते हैं। अब वो मतलब वो कुछ कम्युनिकेशन गैप था और जो कारण थे वो मतलब जो होमगार्ड था उनके साथ, उससे ज़्यादा वो होमगार्ड ने कुछ उनको टोका टाका हो जो भी इनकी कार्रवाई हुई है। तो उसमें सबसे बड़ी बात है एजेंट साहब बगैर फोर्स ही गए थे ऐसी कोई घटना हो तो फोर्स साथ लेके जाए, अधिकारी जाए मौके पर। साथ ही गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। यदि हमारे जो क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं और अन्य भी जो इस तरह का इससे प्रभावित और भी जो शामिल है और वहाँ पर कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस का प्रशासक है और राजस्व की यदि टीम है और वो जाकर के सेवा के लिए वहाँ पे रात दिन अपना 24 आवर्स जा रहे हैं और लोग उन पे पथराव करें, उनको गाली दें, मैं कह सकता हूँ ये बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।